आप जा सकते हैं। मुझे माफ कर दे अब्बा। फिर बच के मुझे मर जाने दे यार। नहीं अब्बा, मेरे से गलती हुई है, मेरी गलती थी। नहीं बेटा, गलती कैसी, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी बहुत परेशान हो जाता। मैं तुम लोगों पर बहुत बहुत बड़ा बोझ बन गया हूँ। अब बोझ नहीं है, हूँ ना, तुम पर, तुम्हारी बेगम पर। इस जिंदगी में अपने आप को कभी इतना इतना नाकारा नहीं महसूस किया। अगर मुझे यह पता होता कि मेरी जिंदगी में यह वक्त भी मुझे देखना होगा तो मैं शायद वैसी जिंदगी ना गुजारता जैसी मैंने गुजारी है। पलट कर देखने के लिए कुछ है ही, देखकर मैं खुश हो सकूं, मुस्कुरा सकूं। बाप ने तो हमें इतना कुछ दिया है। काफी नहीं है बेटा, काफी नहीं है। किस काम करे क्यों, कुछ भी तो नहीं। एक जिंदा लाश है बिस्तर पर पड़ी हुई, काश तुम मुझे न बचाते, मुझे मर जाने देते। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? आपके दम से तुम्हारे घर में रौनक है, आप चले गए तो मैं क्या करूंगा? सॉरी अब्बा, सॉरी। कैसे हैं बड़े साहब? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। हाँ कुकी, मिले वो लोग? कितनी घटिया हरकत की है इन लोगों ने। और मैं तुम्हें पहले जो बता रही थी, तुम्हें पता है जमील और अब्बा मिले हुए हैं सब। ऐसे अब्बा को शर्म नहीं आई ऐसे हरकत करते हुए इस उम्र में? पता नहीं कैसे अब्बा है तुम्हारे, मैं कह रही थी ना बहुत चालाक है। कैसा बनते हैं, तबीयत खराब है, कैंसर है, हरकतें तो देखो। वापस लेकर आना उन्हें, पूछूंगी उनसे। हो कहाँ तुम अभी, मुझे फोन क्यों नहीं किया था? कब से इंतजार कर रही थी, आराम से तुम भी बैठ गए होगे उन तीनों के साथ। चल। नहीं नहीं वो बड़े साहब के पास कौन रहेगा, आप घर चले जाएं, मैं यहीं रुक जाता हूं। तुम्हारी जरूरत नहीं है यार, उनके पास उनका बेटा है। चल यार, चल आ रहा। समझता क्या है वो अपने आप को,
जितनी मैं ढील देता जा रहा हूँ उतना वो हाथ से निकलता जा रहा है। बदतमीजी की इंतहा है। ऐसा बोलिए, वो सुन लेगा, जाग रहा है वो। गेम ही खेल रहा होगा ना, और क्या कर रहा होगा वो? बेहतरीन स्कूल में डाला उसे। नहीं पढ़ा, कारोबार सेट करके दिया। उस लॉर्ड साहब से इतना नहीं हुआ कि एक दिन ऑफिस चला जाओ? अरे लोग तरसते ऐसी नेमतों के लिए और उसे एहसास ही नहीं है। वो समझता है कि इस घर में रहकर वो हम पर एहसान कर रहा है। बस छोड़िए भी, आप तो बस पीछे ही पड़ जाते हैं उसके। समझ जाएगा। कब समझेगा? मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ राहिला, वो कभी नहीं समझेगा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसका बस एक ही इलाज है, मैं उसे अपने घर से निकाल दूं। मुझे पता है आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तुम समझ रही हो कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा? मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। अरे बात करने की तो तमीज नहीं है उसे। एक बात उसे समझा दो, इस घर में अगर उसने रहना है तो अपने तौर तरीके बदले, वरना मैं उसे इस घर से निकाल दूंगा। आपको भी जब गुस्सा आता है ना तो बस बोले ही चले जाते, कुछ नहीं सोचते। तुम सुबह देखना, अगर मैंने उसका सामान उठाकर घर से बाहर नहीं फेंका ना तो मैं भी उसका बाप नहीं हूं। चलो मैं सुबह जी कमरे में। ठीक है, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगी। देखो तुमने उनके साथ ज्यादती की है, क्योंकि माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। चलो फोन किया था? एक नहीं, करोड़ों फोन किए थे मैंने आपको। भाई मन्नु की तलाक हो रही है। तलाक हो रही है? हाँ, मामला बहुत बिगड़ गया है। चाचा इतने नाराज है मैं आपको क्या बताऊं। उन्होंने अब्बा को भी बुलाया था सलाह मशवरे के लिए। मेरा ख्याल है कि अब आप आ जाइए। लेकिन अब भी लेकिन पूरी बात बता, हुआ क्या है? कैसे पता चलो? भाई आजकल फरिश्ते कुछ ज्यादा ही नजदीक रहने लगे हैं मेरे। फरिश्तों से कहिए ज्यादा नजदीक ना है, अभी आपने इंतजार करना है मेरा। भाई मुझे तो खुशी इस बात की एक तुम जा रहे हो और मैं तुम्हारे पांव की बेड़ी नहीं बना। को ये क्यों लगता है कि आप बेड़ी? आपने तो मुझे एहसास से कमतरी से आजाद किया, मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी किसी काम का हूं। जिंदगी को करीब से दिखाया आपने मुझे, जीने का तरीका सिखाया आपने मुझे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने मुझे सिखा दी है ना? मैंने कहा आप तो मरने के दर पे थे भाई, उनको डराना भी तो था ना।
इतनी आसानी से सुधरने वाले नहीं थे वो लोग। वादा कीजिए आप मेरा इंतजार करेंगे। वादा? सलाहुद्दीन बेटा, वादा उस बात का किया जाता है जिस पर इंसान का इख्तियार होता है। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाहुद्दीन, बेटा कभी किसी के कहने से नहीं रुकना। अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरना। आपको लगता है ना मुझे मिल जाएगी? अगर ना भी मिली तो क्या हुआ? कम से कम तुम्हें यह दुख तो नहीं होगा कि तुमने कोशिश ही नहीं की। जाओ, उसके लिए नहीं अपने लिए। इस यकीन के साथ जाओ कि वो तुम्हें मिल जाएगी। गुड लक। शहाब, नाश्ता तो करके जाएं। अपने बेटे को करवाना। उसका गुस्सा आप खुद पे क्यों उतार रहे हैं? तो और किस पे उतारू? गलती भी तो मेरी है। उसे बता देना जो रात को मैंने तुमसे कहा है, शाम तक उसे घर से बाहर होना चाहिए। शहाब, बस मैंने जो कहना था वो कह दिया है। I'm sorry, I'm late. नाश्ता रेडी? तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी सुबह उठ के इंसान ऑफिस ही जाता है। हमें दोस्तों के साथ गेम खेलने तो जा नहीं सकता। आपने नाश्ता कर लिया डैड? हाँ, वो करने ही जा रहा था। मैं देख रहा हूँ आजकल आप ऑफिस लेट जा रहे हैं। बस जल्दी से नाश्ता करें, आज ऑफिस टाइम पे पहुंचते हैं। तुम बस इसी में लगी रहोगी? इतनी देर से कह रही हूँ कि बर्चे खाने में मेरी मदद कर दो, तो आई नहीं रही हो। मैं बस आ रही हूँ ना, दो मिनट तो दे दें। ये गुब्बारे गुब्बारे क्यों लग रहे हैं? किसी की सालगिरह है क्या? नहीं अब्बा, वैसे लगा रही थी। वैसी? वैसे क्या मतलब? अरे डांट क्यों रहे हैं उसे? पता तो है आपको सलाउद्दीन आ रहा है। सलाउद्दीन आ रहा है? किससे पूछ के आ रहा है उस घर में? उसे इजाजत ली उसने? उससे कहना कहीं और जाके रहे, इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है, समझी? हरा हरा गहरा नथु हरा मुंह उठा के मेरे घर में घुसाएगा, ये कुछ सराय है क्या? उठो यहां से। माफ कर देना। और मारो तुझे ले चल।
तो सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? कराची में सब खैरियत थी? ठीक था सब। तो सुनाओ, मोहल्ले का क्या हाल है? कोई नई ताजी? नहीं, हाल ठीक नहीं है। फ़ैदा खाला है ना, उनको बहुत खांसी हो रही थी, और हनीफ उसकी बकरी ने 3 बच्चे दिए थे जिसमें से 2 मर गए। बहुत उदास था बेचारा, रो रहा था, आया था मेरे पास। मैंने कहा कि अब आया ना लाइन पे, ठीक है, वो दोबारा मुलाकात ही नहीं हुई उससे। अगर मुलाकात नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि ठीक है वो? ये काम कहा था तुम्हें करने के लिए, वो भी तुमने ठीक तरह नहीं किया। फिर तो आपको उससे मिलना चाहिए ना, पता नहीं किस हाल में होगी। सही है मनु, रोज मिलती हूँ मैं उससे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तुमने उसे बताया कि मैं आ रहा हूँ? नहीं, मैंने उसे कहा कि कल रात का खाना वो मेरे साथ खाए। अम्मी अबू को शादी पर जाना है ना, मेरे तो टेस्ट होने वाले हैं, मैं तो नहीं जा सकती, घर में मैं अकेली रहूंगी, मुझे डर लगेगा, तो तुम आ जाना। चलाक हो गई हो तुम, सीधा करना पड़ेगा तुम्हें, आप ही का नुकसान होगा। तू तो फोन उठा नहीं रहा है, वो मुझे दिन रात फोन करता है और धमकियां देता है, उसे क्या करूं? दे दूंगा यार पैसे, मम्मा और डैड को मना रहा हूँ। इसी तरह अगर 1-2 महीने जाता रहा तो शायद मान जाए। पागल हो गया 1-2 महीने, इतनी जल्दी बात नहीं बनेगी, भूल जा यार। मुश्किल के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, ये तो मेरे असल माँ बाप है। इतने दिनों से कह रहे हैं कि जाके मिनाहिल को ले आओ, लेकिन बहाने बना बना कर तंग आ गया हूँ। यार लव पता नहीं क्या होता है। हाँ मेरी वाइफ है, ठीक है, आई डोंट फील द पुल, लेकिन बेचारी काफी ट्राई करती है। देख तेरे चक्कर में मैं भी मरूंगा, तुझे अटैचमेंट नहीं होगी अपनी फैमिली से, मगर मुझे है बहुत मोहब्बत अपनी फैमिली से। यार तेरी बीवी की कोई ज्वेलरी शुलरी नहीं? ज्वेलरी? कोई ज्वेलरी जो कि तुम लोगों ने उसको दी हो? हाँ मामा ने तो मिनाहिल को काफी ज्वेलरी दी थी। तो किस दिन के लिए रखी है लल्लू, उसको बेचना। बात तो तू ठीक कर रहा, अब तो उसको बुलाना ही पड़ेगा। बन गया दूल्हा? पागल हो, दूल्हा कौन बन रहा है? लग तो रहा है। अच्छा बात सुनो, अभी तक आई नहीं वो, बुला के ले आऊं क्या? फिजूल बातें मत करो, आना होगा तो खुद ही आ जाएगी। किसी को ना ऐसी फजूल में सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। सही बात है, रोज रोज उसके घर जाया करो, चेक किया करो कि उसने खाना खाया या नहीं, वो ठीक से सोती है या नहीं, वो जागती तो नहीं है। ठीक बात है, उससे रोज मिला करो और अम्मी से कहा करो कि उसके लिए ढेर सारी दाल बनाए। सही बात है, किसी को ना इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, बस ऐसी फजूल बातें करके ना अपनी बहन की जिंदगी जरूर हराम करनी चाहिए। फजूल की बातें ना करो वरना लगता है आगे वो जाओ ना। चली जाती हूँ, सबर करें। या जाओ। अच्छा ना जा रही हूँ, बेस्ट ऑफ लक।
ना तुम आ गए। मैंने सोचा घर से बाहर निकलूंगी तो कुछ बेहतर लगेगा। घर में हर बार वही बातें होती रहती हैं। हर वक्त कितना तकलीफ दे होगा तुम्हारे लिए। तकलीफ नहीं होती भैया, अजीब सा लगता है, ना खुशी होती है ना गम होता है, ऐसा लगता है जैसे बेहिस हो गई। तुम्हें कभी लगाओ जो नहीं हुआ। शायद मन्नू, चाचा का फैसला बिल्कुल ठीक है, तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे बारे में भाई को बताया था, तो क्या वो आ गए। नहीं ठीक हूँ। चलती हूँ। मनु मनु रुको, देखो मैंने तुम्हें वापस भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था। एहसास हो गया? बहुत बुरी तरह। प्लीज वापस आ जाओ, तुम खुश नहीं हो वहां पर। आपको कैसे पता चला? सब जानते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ आप कह रहे हैं। आपको याद है ना, मैं आपके पास यहां पर आई थी। जानता हूं मनु, लेकिन भूल जाओ। कैसे भूल जाओ? हाँ कैसे भूल जाऊं? इसी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी ना मैं। मैं आपसे कह रही थी कि दरवाजा खोले, मुझे अंदर आने दे, दरवाजा खोले। मैं अपना घर छोड़कर आई थी आपके लिए, लेकिन आपने दरवाजा नहीं खोला था। और आज आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने खुले दरवाजे को बंद कर आपके पास आ जाऊं। ऐसे लगती हूं मैं आपको? तुम ठीक कह रही हो, मेरी गलती थी, मुझे तुम पर और अपने आप पर भरोसा करना चाहिए था। बस अल्फाज नहीं है अपनी सफाई देने के लिए। तो मत बोलिए, चुप रहिए। वक्त आगे बढ़ गया और मैं किसी और की हो गई। मनु नहीं, तुम मेरी थी, हो और हमेशा रहो। अगर मैं आपकी होती तो आप मुझे कहीं ना जाने देते, लेकिन आपने खुद मुझे उसके हवाले किया। मुझे ठुकरा कर आज आप अपनाना चाहते? पता तो मेरे लिए क्या हो? तो मुझे छोड़कर उसके हवाले क्यों किया? क्यों? आपको याद है ना, आपने कितनी कहानियां बनाई थी ताकि वो मुझे कबूल करे, और आज आप चाहते हैं कि मैं उसी को छोड़कर आपसे शादी कर लूं। मुझे जितना गिरना था मैं गिर चुकी हूं, अपने आपके लिए भी नहीं। मन्नू तुम
ठीक कह रही हो, मुझे पता तुम मेरे से नाराज हो, प्लीज मुझे मौका तो दो कि मैं अपनी गलतियों की तलाफी कर सकूं। अच्छा, मुझे मेरा बीता वक्त लाकर दे सकते हैं? वो वक्त जो मैंने उसके साथ गुजारा, वो वक्त जब मैंने निकाहनामे पर दस्तखत किए थे, लाकर दे सकते हैं मुझे वो वक्त? नहीं ना। और एक और बात, अब मैं चाह कर भी पुरानी मन्नू नहीं बन सकती। मन्नू, मुझे नहीं पता इन बातों का। जानता हूं तुम इसे छोड़ रही हो, तुम सब कुछ दोबारा शुरू कर सकते हैं। लोगों की दूसरी शादियां होती रहती, इसमें क्या मसला है? कितने प्रैक्टिकल है ना। मुझसे इसने शादी नहीं की कि हमारा जोड़ सही नहीं था। मेरी मिकाइल से शादी करा दी क्योंकि उस वक्त उसी बात में समझदारी थी। आज अपना ख्याल गलत साबित हुआ तो मैं उसे छोड़कर आपसे शादी कर लूं? क्योंकि हाँ, दूसरी शादियां तो होती रहती हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं आप जितनी प्रैक्टिकल नहीं हूं, मैं दिमाग से नहीं दिल से सोचती हूं। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं मिकाइल को नहीं छोड़ूंगी। इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी मैं। यार दे वेड़े आई टप टप गलियां लब दी। कहां जा रही है मन्नू भाई? वापस। वापस जा रही है और आपने उसे रोका भी नहीं? हटे मन्नू, मन्नू नाल क्यों लाया अखियां तेरे नाल मैं लाया अखियां तेरे नाल क्यों लाया अखियां। देख मिकाइल, कॉल तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा रिहर्स करते हैं। हेलो मन्नू, मिनाहिल कैसी हो? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। बहुत टैकी, कुछ और सोच, थोड़ा नेचुरल कर, नेचुरल। हेलो मिनाहिल, मेरा दिल नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर, तो मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें पिक करने आ जाऊं। क्या हेलो मिनाहिल, हाँ मैं तुम्हें फोन करने वाला था। मिकाइल, मैं वापस आना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर, तुम्हारा अपना ही घर है। मैं टिकट की डिटेल्स आपको मैसेज कर दूंगी, आप प्लीज एयरपोर्ट पे ड्राइवर को भेज दीजिएगा। अरे ड्राइवर की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें खुद पिक करने आऊंगा ना। सच्ची? इसमें झूठ की क्या बात है? मैं आ रही हूं मिकाइल, मैं आ रही हूं। अम्मा, अम्मा मैं जा रही हूं।
देखिए आपने क्या किया भाई। उसको छोड़ने का फैसला मेरा था भैया, गलत था, लेकिन ये फैसला उसका है और मैं चाहता हूं कि उसका ये फैसला ठीक हो। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, वो खुश नहीं है उसके साथ, उसकी तलाक होने वाली है। अब नहीं हो रही, वो वापस जा रही है। वो वापस जा रही है और आपने उसे जाने दिया, आप ऐसा क्यों करते हैं भाई? आपने पहले भी ये किया था, अब दोबारा ये कर रहे हैं, क्यों? बिया, तुम उसकी खुशी चाहती हो? खैर है, जब भी उसे समझाने जा रही हूँ। कोई फायदा नहीं होगा, मेरे साथ तो खुश नहीं रह सकती थी। आपसे बहुत प्यार करती है, करती थी प्यार, करती थी। मैंने उसको प्यार के बगैर जीना सिखा दिया है। मैं नहीं चाहता कि वो अपनी नजरों में गिर कर मेरे पास आए। उसने जो फैसला किया है ठीक किया है। मुझे आपकी समझ नहीं आती। काश वो मुझे समझ ले। मतलब सब खत्म? नहीं, जब तक मेरी जिंदगी में सुबह आएगी उम्मीद रहेगी। अब कौन सी उम्मीद? ये उम्मीद कि शायद एक दिन वो अपनी मर्जी से मेरे पास आए, सर उठाकर। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का। खुशी हो रही है तुम्हारे आने की, मैं बता नहीं सकता। आप मुझे याद कर रहे थे? Obviously. मुझे लगा था कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं नहीं हूँ। कैसी बातें कर रही हो, हम साथ रहते हैं और अगर तुम नहीं होगी तो क्या मतलब, मुझे पता नहीं चलेगा, पागल हूँ मैं। वैसे तुमने अच्छा किया कि तुमने सुबह की फ्लाइट ली। वो एक्चुअली मुझे बैंक में एक दो काम थे, तो क्या ख्याल है बैंक होते हुए घर चले? हाँ ठीक है, आंटी इंतजार नहीं कर रही होंगी। नहीं, मैंने मामा को बताया नहीं कि तुम आ रही हो। अच्छा वैसे तुम्हारे लॉकर की चाबी कहाँ है? कौन सा लॉकर? बैंक का लॉकर जिसमें तुम ज्वेलरी रखती हो। मेरे पास तो कोई लॉकर नहीं है। लॉकर नहीं है तो तुम्हारे जेवर का? क्यों, क्या हुआ? बस वैसे ही बैंक जा रहा था तो ख्याल आ। तो बताओ तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ? मुझे नहीं पता, आंटी के पास होंगे। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लाखों के जेवर कहाँ है? हाँ, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ इसलिए आंटी के पास रखवा दिए थे, उनसे पूछ के आपको बता दूंगी। नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं, अपने लिए पूछो। चीज तुम्हारी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी चीज कहाँ पर है। पूछ लूंगी। तुमने वाइन तो नहीं किया? नहीं, क्यों पूछ रहे हो? नहीं वैसे ही मुझे लगा तुम खामोश हो गई। अच्छा ये सोच रही थी कि जब से आपने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया तब से आप जेवर की बात कर रहे हैं, ऐसे जैसे आपको जेवर से कोई काम हो। अरे यार कैसी बातें कर रही, मुझे भला तुम्हारे जेवरात से क्या काम हो सकता है?
तुम्हारे हैं, तुम रखो भाई। वो तो फराज से बात हो रही थी मेरी बैंक के बारे में, लॉकर्स के बारे में, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछ लूं। तो नाराज ही हो गई। अच्छा चलो छोड़ो, मैं अपने बैंक का काम बाद में कर लूंगा, घर चलते हैं। मामा को सरप्राइज भी तो देना। अब तो हंस दो यार। इतनी जल्दी क्यों जा रहा है बेटा? छुट्टी ही दो दिन की मिली थी, लोगों को मिलने आया था, मिल लिया। अब आई क्या है तो दो एक दिन और रुक जा, अभी तो दिल खोल के बात भी नहीं की थी। तो मैं बता जाता हूँ। मेरे से नाराज तो नहीं है? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। तुमने कैसे सोच लिया? कुछ नहीं कर सका आपके लिए। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया बेटा, मुझे फख्र है तुम पे। बस तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाए तो समझूंगा कि तुमने मेरे लिए सब कुछ कर लिया। जा बेटा, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। मत जा बेटा, थोड़ी छुट्टी और बढ़वा ले। इसे मत रोको दुर्दाना, इसे जाने दो, इसके लिए यही अच्छा है। कैसे अच्छा है? यहाँ रहेगा तो इसे सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। मैं दुख और खुशी की हद से गुजर चुका हूँ, बेहिस्सा हो गया। कभी कभी बेहिस्सी बहुत अच्छी होती है बेटा। तुम्हें हमेशा खुश रखे। मत रो दुर्दाना, उसके लिए दुआ करो।